देखते हैं। तो जो सब्जेक्टिव शीट नंबर वन है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या गिवन है, कौन बड़ा है? एक बात बताओ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, एक काम करो, एक कूलम को तो ऐसी रख लो, इस पूरी टर्म को इसके नीचे ले आओ, डिवाइड कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक कूलम क्या आएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो एक कूलम, क्योंकि ये टर्म जब इधर आएगी अपनी जगह वन छोड़ेगी, तो एक कूलम इसके इक्वल है। इसको सॉल्व करो, 1/1.6 × 10⁻¹⁹, ये टर्म ऊपर गई +19, 1/1.6 होता है 0.625 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो साफ पता लग रहा है एक कूलम में इतने टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब कौन बड़ा है, एक कूलम इज ग्रेटर देन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कितना कितना बड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस कितने हैं, दिस इज द आंसर, 0.625 × 10⁻¹⁹ टाइम्स बड़ा है, इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस बोलते हैं आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे चेक करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग यहीं से करता है वो, कूलम और इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस में। तो क्या स्टेप क्लियर है? अब ये तो हो ही जाएगा, अब सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करो प्लीज। कैलकुलेट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, वन कूलम सेपरेटेड बाय वन मीटर इन वैक्यूम। इससे आसान क्वेश्चन नहीं है कोई भी, हो जाए तो नेक्स्ट कर लो। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन में तो मेरे को लगता नहीं है कोई दिक्कत है, क्योंकि सीधा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, वन बाय, क्योंकि वैक्यूम बोल तो रहे, तो 1/4πε0 Q1 Q2 R2, तो 9 × 10⁹ 1 × 1/1² 9 × 10⁹ 9 न्यूटन, डन। ठीक है, यहाँ तक थर्ड क्वेश्चन एक बार चेक करें प्लीज। देखो इसका कॉन्सेप्ट है क्या, दो चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस स्ट्रिंग के कॉर्नर पे हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत आसान है, प्रॉब्लम नहीं है, पर इसका लॉजिक समझो क्या है, कैसे सोचना है आपने। आप इमेजिन करें कि ये एक स्ट्रिंग है, टाइट नहीं है, और मैं दो चार्जेस को कॉर्नर में लगा दूं, और सेम नेचर के चार्ज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, जो आपस में क्या करेंगे, रिपेल, टाइट हो गई, इसमें क्या आ गई, टेंशन, आपको टेंशन निकालनी है। तो ये एक चार्ज है 2 × 10⁻¹⁸ कूलम, और सेम चार्ज है 2 × 10⁻¹⁸ कूलम। अब हुआ क्या, ध्यान से देखना, इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव चार्ज को क्या किया, रिपेल। तो वेक्टर कहाँ ड्रॉ करूँ, इसके ऊपर ड्रॉ करना है, तो लेफ्ट ऐसे कर दूँ, इस चार्ज ने इसे रिपेल किया, तो ये वेक्टर है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1/4πε0 2 × 10⁻¹⁸ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस 1 मीटर है, तो डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। सिमिलरली इस चार्ज ने इसे क्या किया, रिपेल, तो फोर्स कहाँ, वेक्टर कहाँ ड्रॉ करेंगे, रिपल्शन का, राइट, तो एक वेक्टर यहाँ बन गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1/4πε0 सेम है, 2 × 10⁻¹⁸ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है? अब स्ट्रिंग क्या हो गई, टाइट, स्ट्रिंग में क्या आ गई, टेंशन, टेंशन हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट तो होती है, कैसे, ये देखो, ये टेंशन का वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं पूरी स्ट्रिंग में। क्या स्टेप क्लियर है, टेंशन याद है ना, लॉज ऑफ मोशन, इक्वल एंड ऑपोजिट। अब देखो सिस्टम रेस्ट पे, तो इसके अंदर ऐसे करें, ये राइट और लेफ्ट की फोर्स बराबर, रेस्ट पे ना, रुका हुआ है सब कुछ, स्टैटिक है, तो टेंशन किसके इक्वल है, 1/4πε0 2 × 10⁻¹⁸ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर न्यूटन से आंसर। चाहे वहां से कैलकुलेट कर लो, चाहे यहां से कर लो, बात तो एक ही है। हाँ, वो अलग बात है, इतना करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वैसे ही पता लग रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही टेंशन है,
तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही इक्वल टू टी है। पर चलो मैंने आपको थोड़ा प्लस वन के कॉन्सेप्ट से समझा दिया, टेंशन ड्रॉ करके, फोर्स ड्रॉ करके, ताकि वेक्टर समझ में आ रहा है कि कौन किसको इक्वेट कर रहा है। तो क्या ये स्टेप क्लियर है? आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव नहीं आएगा एनसीईआरटी में। तो इसके अंदर सिंपली आप ऐसा कर सकते हैं, आप सीधा लिख देना कि टेंशन इज 1/4 पाई एप्सिलॉन, का मतलब 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 r² इज आंसर। तो मेथड समझ में आ रहा है सबको कैसे करना है इसमें? तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो चेक करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 4 करना है। वैक्यूम डिफरेंट होते हैं, बट ये एयर और वैक्यूम, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोलते हैं मान 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 ले लो, तो इसमें भी सेम ही है, एयर वैक्यूम एक ही बात है, 9 × 10⁹ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा कैलकुलेशन वाइज ज़्यादा है, आर निकालना, अंडर रूट लेना पड़ेगा इसमें। तो इसमें मेथड तो मेरे ख्याल से क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 μC, माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻⁶, ठीक है, तो 0.4 μC। तो चार्ज Q1 पता है और एक और चार्ज है लेकिन नेगेटिव चार्ज है, तो -0.8 × 10⁻⁶ कूलम, दो चार्जेस हो गए। आपको दोनों के बीच में फोर्स गिवन है अट्रैक्टिव 0.2 N, आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस। लगाओ फॉर्मूला, एफ का फॉर्मूला पता है 0.2, 1/4 πε₀ पता है, Q1, Q2 मैग्नीट्यूड में माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस तो अट्रैक्टिव रिपल्सिव बताता है, फोर्स के फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड ओनली, Q1 Q2 r² अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट से। मैंने सॉल्व नहीं किया बट आप समझ सकते हैं आंसर यही आ रहा है वैसे ही। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा, वॉट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, सेम रहेगी, जैसे ग्रेविटेशन की फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, ऐसी कूलम फोर्स भी इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो एक चार्ज ने दूसरे को अगर 0.2 N फोर्स लगाई, तो दूसरे ने पहले को भी 0.2 N फोर्स ही लगाई, तो आंसर विल रिमेन सेम। कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार, फिफ्थ क्वेश्चन। तो इसमें क्या गिवन है, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 cm, ध्यान से सेंटीमीटर्स, तो मीटर में कन्वर्ट कर लो 0.5 m। व्हाट इज म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ चार्ज ऑन ईच इज इतने कूलम, तो सिंपल है, पहले तो फोर्स निकालनी है। उसने मीडियम कुछ बोला ही नहीं, तो एज्यूम्ड क्या, वैक्यूम, और एक लाइन लिखी हुई है, रेडियाई ऑफ ए एंड बी स्फीयर्स आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, मतलब क्या है, पॉइंट चार्ज, डिस्टेंस है मान लो इतने मीटर और रेडियस है बहुत छोटा, तो डिस्टेंस के मुकाबले रेडियस बहुत छोटा है, यानी कि स्फीयर्स आर वेरी स्मॉल, पॉइंट चार्जेस हैं, ताकि आप कूलम लॉ लगा सकें। तो पहला पार्ट तो क्लियर है, और वो कह रहा है फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालो,
बाद में निकालेंगे, पहले सिंपल फोर्स निकाल लो। तो पहले पार्ट में फर्स्ट और सेकंड को छोड़ के ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर आर पता है आपको, क्यू वन क्यू टू पता है, आप वैक्यूम में फोर्स निकाल दो, 9 × 10⁻⁹ क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर आंसर आ गया, क्लोज हो गया। अब उसने ये पूछा एक्चुअल में कि व्हाट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फेयर इज चार्ज द डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। तो वो कह रहा है कि ये तो आपने निकाल लिया फर्स्ट पार्ट में, अगर मैं चार्ज को डबल कर दूं, जैसे क्यू वन को टू क्यू वन कर दूं, क्यू टू को टू क्यू टू कर दूं और डिस्टेंस आर को आर बाय टू कर दूं, तो डिनोमिनेटर में 1/4 आएगा, 4 ऊपर जाके 4 × 2 × 2 क्या बन जाएगा 16। तो आपका आंसर कितने टाइम्स हो गया, 16 टाइम्स हो गया। अब ये वाली जो वैल्यू है ये तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1.5 × 10⁻²। तो आपका आंसर पहले पार्ट से 16 टाइम्स ज्यादा आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? पहले आप नॉर्मल फोर्स निकाल लें, फिर चार्ज को डबल करें और डिस्टेंस को हाफ करें, तो आपकी नई फोर्स 16 टाइम्स ज्यादा आ जाएगी, आंसर आ गया। अब सेकेंड पार्ट है, द टू स्फेयर्स आर प्लेस्ड इन वाटर ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 80। तो फिर से फोर्स निकाल लें, फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट, छोड़ दें इसे, फर्स्ट पार्ट खत्म। तो वैक्यूम में फोर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वैक्यूम की फोर्स है। अब वो कह रहे हैं कि पानी में फोर्स क्या होगी, वैक्यूम में तो फर्स्ट पार्ट में निकल चुकी है, ये रहा वैक्यूम, और वाटर के अंदर फोर्स निकालनी है, और वाटर का डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्वेश्चन में 80 गिवन है। आज हमने किया कि डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है क्या है, एफ नॉट बाई एफ डब्ल्यू, एफ डब्ल्यू क्या होगा, एफ नॉट बाई एफ बाई के। वैक्यूम में फोर्स निकल चुकी है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 80 मुझे पता है, सॉल्व करके आपका आंसर आ गया। तो मेथड समझ में आ रहा है कि अगर कल को मीडियम चेंज होता है और डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट गिवन होता है, तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से वैक्यूम के अंदर फोर्स तो ईजिली कैलकुलेट कर ही सकते हो, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आपको पता है, फोर्स इन वाटर कैन बी कैलकुलेटेड। तो क्या ये स्टेप्स आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है,